श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। अघोरेभ्यो गौर गौर रात्रेभ्य सर्वता सर्वसेवेभ्यो नमस्ते रुद्र रूपेभ्य, यानी अघोर रूप में महादेव जब आते हैं तो वो रुद्र रूप में होते हैं। इतने दिनों में मैं ये समझ गया हूँ कि मेरे साथ मेरे चैनल के साथ जुड़े लोग अच्छे साधक होने के साथ अच्छे रिसर्चर भी हैं, ठीक है। अभी क्या हुआ, कुछ दिनों पहले मैंने उच्चिष्ट साधनाएं देने से मना कर दिया था, तो उच्चिष्ट चंडालिनी कोई मांग रहे थे, तो हमने बोल दिया कि उच्चिष्ट चंडालिनी नहीं करनी है, मैं आपको अच्छी साधनाएं दूंगा, उससे बेहतर साधनाएं दूंगा, गृहस्थ के लिए बढ़िया साधनाएं दूंगा। फिर घुमा के कान पकड़ा गया कि गुरुदेव आप एक काम करें, हमें मातांगी साधना दे दे। अब तो फंस गया मैं, अब मातांगी मांगा तो चाहे तो वार्ताली दो या फिर जो है उच्चिष्ट चंडालिनी दो, बात तो वही आती है। तो क्योंकि अब इस स्तर पे आप लोग रिसर्च कर रहे हैं और एक से एक आप लोग साधनाएं ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं, तो मैं एक चीज जानता हूँ कि मेरे रोकने से तो आप रुकने वाले हैं नहीं। तो मेरे तरफ से ये एक प्रयत्न है कि मैं आपको आज एक मंत्र दे रहा हूं। ये जो अघोर रुद्र मंत्र है, ये वो तीन मंत्र है जो मैं खुद प्रयोग करता हूं अपनी सुरक्षा के लिए। देखो, जब आपको लोग जानने लगते हैं तंत्र क्षेत्र में ना, और जब आपकी थोड़ी भी ख्याति होती है तो आपके पीछे लोग लगने लगते हैं, या फिर जैसे आप लोग साधना करोगे, साधना करने के बाद आप लोगों ने किसी की भलाई कर दी, अब उसकी बुराई के लिए दो तांत्रिक पड़े हुए थे, किसी अमुक ने उसकी बुराई के लिए किसी तांत्रिक को पैसा दे रखा होगा, अब वो तांत्रिक आपके पीछे पड़ जाएगा कि अच्छा तो मेरे काम को इसने खराब किया, मेरा क्लाइंट खराब कर रहा, इसको भी परेशान करो। तो बहुत सारे तांत्रिक जो होते हैं, बहुत सारे अघोरी को आप देखिएगा जो गृहस्थ होते हैं, वो बड़े परेशान रहते हैं, आर्थिक सामाजिक कुछ ना कुछ उनका खटपट चलता रहता है। उसका कारण ये है कि कोई ना कोई उन पे क्रिया करता ही रहता है। जब आप एक स्टेज पे पहुंच जाओगे क्रियाओं में, तो आप पे कौन क्रिया कर रहा है आपको पता चल जाता है, कब क्रिया हो रही है वो पता चल जाता है। जैसे आज से एक डेढ़ साल पहले मेरे साथ एक घटना घटी थी, किसी गुरु परिवार के साथ मेरी ठन गई थी, क्योंकि गुरु निंदा सुनना गलत है, तो उन लोगों ने दीपावली के एक दिन पहले मुझ पे मारन का प्रयोग किया। अब उनका ये बैड लक था कि जिस समय उन्होंने प्रयोग किया उस समय मैं भी साधना में बैठा था, और मुझे पता चल गया कि उन्होंने ऐसा ऐसा मेरे साथ अभी किया है, हालांकि कोई असर नहीं हुआ, मैं तो बंधन में था। मैंने उनको फोन करके बोला कि देखो ये आपने गलत किया और आइंदा से मत करना, ठीक है। तो एक स्तर पर जब आप पहुंचोगे तो आपको समझ में आने लगता है कि आसपास क्या चल रही है, कौन क्या कर रहा है, ठीक है। और बहुत और उसके बाद आपको ये भी पता रहेगा कि क्या बोलना है नहीं बोलना है, क्योंकि जब साधना में आप सिद्ध होते हो तो आपका आपकी वाणी सिद्ध हो जाती है, तो आपको बहुत सोच करके बोलना होता है। जैसे आप जैसे किसी से मिलोगे वो बोल देगा अच्छा अच्छा आपके साथ ऐसा घटना घट रहा, आपके साथ आपके ऊपर तो पूरा काला जादू है, और किसने किया था, अरे आपके घर में एक ऐसी औरत होगी जिसने ये किया वो किया। ऐसा कौन लोग करते हैं जिनको कॉन्फिडेंस में अपने क्लाइंट को लेना होता है। जब आप सिद्ध हो जाते हैं ना, तो आप किसी को नहीं बोलिएगा कि उनके साथ क्या परेशानी है। मुझसे कोई पूछता है गुरुदेव परेशानी क्या है मेरे साथ, किसी ने कुछ किया है क्या, मैं बता दूंगा तुम ठीक कर लोगे क्या। तो जब तुम ठीक नहीं कर सकते हो तो तुम पूछते क्यों क्या क्या परेशानी है। हाँ ठीक है, तुम्हारे साथ परेशानी है, तुम्हें दिख रहा है कि तुम्हारा सामाजिक क्या व्यक्तिगत या कुछ भी जीवन ध्वस्त हो रहा, मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ी है। अब किसने किया क्या क्या इसको करके तुम क्या कर लो, जो चीज सुधार नहीं सकते। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब साधनाएं करेंगे तो बहुत तरीके की चीजों को आपको सामना करना पड़ता है, तो उसके लिए तैयारी पूरी होनी चाहिए। तो जो रुद्र अघोर रुद्र मंत्र है, इसका एक खासियत है, इसका एक साधना विधि है, मतलब ऐसा कहूं कि जो राइट हैंड तंत्र का मार्ग है अघोर के अलावा, जो सात्विक मार्ग है तंत्र का, उसका ये सबसे पावरफुल मंत्र है। जो शुरुआत में मैंने अभी एक मंत्र पढ़ा था, वो मंत्र अगर आप कई किताबों में देखोगे तो उसमें अंतर मिलेगा, कुछ शब्दों का हेर फेर है, लेकिन मैं जो शब्द बोलता हूँ मैं वो शब्द बोलता हूँ जो गुरुमुख से मुझे प्राप्त हुए हों और जिसका मैंने प्रयोग किया है।
तो अघोर रुद्र मंत्र जो है उसको सिर्फ आप अगर याद कर लो, ठीक है, याद करके सुबह जब आप पूजा करने बैठते हैं तो इस मंत्र को पढ़ के 3 बार अपने शरीर को फूंकना है। मतलब एक बार पढ़ा मंत्र को, उसके बाद अपने शरीर को फूंक लिया, दूसरी बार पढ़ा, फिर फूका, तीसरी बार पढ़ा, फिर फूका। तो इससे क्या होता है कि आपके शरीर का की पूरी बंदिश हो जाती है। अगले किसी वीडियो में मैं आपको दिशाओं का बंधन बताऊंगा कि मतलब उसको पढ़ के अगर आप चारों दिशाओं को फूंक दो बंधन हो जाता है। तो ये सब ऐसे मंत्र है कि पढ़ के फूंक दिया, ये अपना एक्टिविटी में ये आ जाता है। इसका साधना का विधि है, लेकिन अगर आपको इसको चलाना है किसी पे, या किसी का कुछ ठीक करना है, तो फिर अलग से मैं कभी आप फोन वोन करना तो बताऊंगा, क्योंकि इसका साधना विधि बताना सबके लिए अच्छा नहीं होगा। जो किताबों में दिया गया साधना विधि वैसा इसका कोई साधना विधि नहीं है, बहुत सरल साधना विधि है, लेकिन क्योंकि बहुत एग्रेसिव मंत्र है इसलिए इसको सिद्ध सबको नहीं करने दिया जाता है। आप मंत्र सुनो, ओम रिम अस्फुर अस्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर घुर घुर तर तन रूप चट चट प्रचट प्रचट कह कह बम बम बंदया बंदया घात्या घात्या हुम फट। ये पढ़ लेना और उसके बाद अपने शरीर पर एक फूंक मारना। ऐसा 3 बार करोगे तो आपका शरीर किसी भी तरीके का काला जादू या फिर बाहर का कोई अटैक हो, कोई एंटिटी हो, वो या फिर आप जहां बैठोगे उसके आसपास भी कोई भी अनवांटेड एनर्जी रहेगी, नेगेटिव एनर्जी मैं नहीं बोल रहा, अनवांटेड एनर्जी रहेगी जो काम की नहीं है वो निकल जाएगी। मंत्र एक बार फिर से सुनो, ओम रिम अस्फुर अस्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर घुर घुर तर तनु रूप चट चट प्रचट प्रचट कह कह बम बम बंदया बंदया घातया घातया हुम फट। एक बार अंतिम बार सुन लो ताकि तुम लोग सीधे प्रयोग कर सको। ओम ह्रीम अस्फुर अस्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर घुर घुर तर तन रूप चट चट प्रचट प्रचट कह कह बम बम बंदया बंदया घातया घातया हुम फट। अभी क्या है कि इस मंत्र को जैसे हमारे गुरु भाई विशालनाथ बोलते हैं कि मरी मुर्गी की तरह मत जापना, जैसे मैंने पढ़ा ना बंदया बंदया घातया घातया, तो बंद बंद घात घात हुम फट नहीं चलेगा। इसका जो लय है उसी लय में इसको पढ़ के, इसके अलावा किसी भी लय में नहीं पढ़ना, इसी लय में इसको पढ़ना, बंदया बंदया घातया घातया हुम फट। तो ऐसा जब आप पढ़ोगे ना तो ये मंत्र तुरंत काम करेगा। कभी कभी ऐसा लगेगा कि आपको कि बहुत एनर्जी लो है, तब इस मंत्र का आप जाप कर सकते हो, लेकिन इस मंत्र का 24 से ज्यादा जाप मत करना, 27 कर सकते हो एट मैक्स, उससे ज्यादा इसका जाप मत करना, क्योंकि शरीर हमारा इस मंत्र को एब्जॉर्व करने के लिए हमेशा तैयार नहीं रहती है। ठीक है, किसी और तरीके से मरे मुर्गी स्टाइल में 108 जाप कर लो, कोई अंतर नहीं पड़ता। इस तरीके से आंख बंद करके अजपा करना, तो 24 27, 27 के ऊपर मत जाना। कोई भी टेंशन होगा, किसी भी तरीके का एनर्जी अटैक होगा आपके ऊपर, इस मंत्र को अजपा करने मतलब मन में जाप करने से वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसको अगर सिद्ध करना है, अगर आप लोगों को साधना में जाना है, तो पहले तो मैं सबको नहीं दूंगा, पहले ही बता दे रहा हूँ। हाँ, तो आप मुझसे संपर्क करना, सीरियस साधक हो, दूसरों के लिए आपको ये मंत्र चाहिए तो मैं आपको दिन तिथि और समय बताऊंगा। ये साल भर ये मंत्र सिद्ध भी नहीं होता, इसकी ये खासियत है। ठीक है, लेकिन आने वाले 3 महीने में या एक दिन ऐसा आने वाला है जिसमें कि ये मंत्र सिद्ध होगा, तो वो विधि मैं बता दूंगा, उसके बाद आप सिद्ध करके दूसरों की मदद करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं कभी और आपको दिशाबंधन का एक बहुत ही उत्तम मंत्र दूंगा। फिर से पुरानी बात है, अगर भूत प्रेत के बारे में पढ़ना चाहते हैं, एक किताब लिख रखा है मैंने, आप लोग उसको खरीदिए पढ़िए, और वो अमेजोन फ्लिपकार्ट जो भी होता है पूरे विश्व में हर देश में मिलता है। मुझसे डायरेक्ट बात करना है तो कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करिए, उसमें रुद्रनाथ सर्च कीजिए और आप मुझे डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं मेरे वेबसाइट पे, और मेरा वेबसाइट दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप अपॉइंटमेंट भी सीख कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया हुआ है, उसमें भी अपॉइंटमेंट सीख करके ही आप में बात करता हूँ। आप सभी को अलग आदेश आदेश आदेश।